Hello students, a very good evening to all of you. I am Malika Sethi, your science educator for 9th class and 10th class. तो हमारा चल रहा है 10th class का first chapter biological life process. मैंने कुछ एक करा दिया था nutrition का. तो बताओ बच्चों, मुझे आपको समझ आ रहा है अच्छे से? आपने कर लिया nutrition, हमने कर लिया था. आज हम कौन कौन से topics cover करने वाले हैं? आज हम करेंगे, मैंने आपको बोला था ये मेरा भी favorite chapter है और ये आपका भी favorite chapter होने वाला है. तो आज हम हमारा न्यूट्रिशन खत्म करने वाले हैं, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे. टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने करवा दिया था, आज हमने करना है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम कवर करेंगे. डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. तो ये 5 स्टेप्स जो है आज हम कवर करने वाले हैं और हमारे लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन हम फिनिश करने वाले हैं. ठीक है, तो बच्चों अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए लर्नर्स मेरे इस चैनल पे आए हैं, क्लास अपार्ट अकेडमी अन अकेडमी का यूट्यूब चैनल है. जो इस पे नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, जो पुराने हैं वो सब्सक्राइब तो किया हुआ है, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स के साथ. और हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अन अकेडमी के बारे में बताना चाहूंगी. ये तो जो आप मुझे देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, बट आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पे ऐप स्टोर पे अवेलेबल है. लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप उसका प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. देखो प्लस सब्सक्रिप्शन का क्या फायदा है, इस पे हम जो डालते हैं, जो हमारा जो सिलेबस है डेली चल रहा है, 5 PM पे डेली क्लास होती है साइंस की, बट उसमें आप अपना पूरा सिलेबस विद नोट्स कर सकते हैं, क्विज कॉम्पिटिशन होते हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं. तो उसके लिए आपको ये फायदा है कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा अगर आप ये वाला मेरा कोड यूज करते हैं, MASE. कैसे करना है देखो, हमारे पास क्या है, उससे पहले एक और भी आपको फायदा बता देती हूँ, बाद में आपको बताती हूँ कि कैसे कोड यूज करना है. अनअकैडमी पे क्या है, आपको वो सिलेबस तो मिलेगा ही मिलेगा, आप कोई कॉम्पिटिशन भी क्रैक कर सकते हैं, बट एक बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन ये भी कि आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं. डाउट्स बोले तो जैसे मैंने आपको ये चैप्टर कराया तो आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो है या फिर थ्योरेटिकल का थोड़ा सा पोर्शन आपको समझ नहीं आया, आपको वो डाउट क्लियर करना है तो क्या होगा, आपको क्या करना होगा, कितने भी डाउट्स पूछ सकते हो, किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो. आपको क्या करना है, इस टाइप से पिक क्लिक करनी है. ठीक है, आप क्या करोगे, अपने डाउट की पिक्चर क्लिक करोगे. पिक्चर क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना है, ओनली वन क्वेश्चन होना चाहिए, वन क्वेश्चन की या जो भी आपको पार्ट समझना है उसके, इस टाइप से आप पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं. साथ में फिर सेकंड आपने क्या डालना है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, मैथमेटिक्स है, साइंस है, SST है, इंग्लिश, कुछ भी है, आप अपना क्या करो वो वाला चूज कर लो सब्जेक्ट की ये मेरा वो है, और आप उसके बाद अपना डाउट भी लिख सकते हैं कि ये मेरा डाउट है. आपको वीडियो के साथ उस डाउट का सलूशन मिलेगा. अनअकैडमी ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है डाउट का, कि आपको डाउट का है आंसर मिलेगा विद इन 24 आवर्स तो मैक्सिमम बोला है आपको, कम से कम टाइम में उसका सोल्यूशन जो है वो विद वीडियो मिल जाएगा, बहुत अच्छे वे में आपको समझाया जाएगा. बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है, लाइक ईमेल्स क्लियर होनी चाहिए, और अगर एक ही क्वेश्चन के 5 या 6 पार्ट है तो आप ओनली वन पार्ट को ही एज ए वन डाउट अपलोड करेंगे, और जो भी है सब्जेक्ट हमें मेंशन होना चाहिए. बुक में से पोस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट डायरेक्टली हम बुक में से करेंगे, हम ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया फिर उसको कर दिया कॉपी, नहीं. तो ये आपके पास कंडीशंस रहेंगी डाउट सॉल्व की. और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के आपको मेरा कोड यूज करने का क्या फायदा है, लाइक देखो आपने 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको 7500 रुपीज पे करने पड़ेंगे. अगर आप प्रोसीड टू पे करने से पहले मेरा ये रेफरल कोड यूज करते हैं MASE तो आपके 7500 की जगह पे क्या हो गए, 6750 रुपीज हो जाएंगे. तो बहुत फर्क है इसमें और इसमें, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं. अगर आपके फोन में अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो आप पहले लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले और प्लस सब्सक्रिप्शन ले, आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक लाइफ प्रोसेस. हमने करना है सबसे फर्स्ट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन,
हेट्रो मीन्स, मैं वैसे पहले करा चुकी हूं कि हेट्रो मीन्स क्या होता है, अदर्स। हेट्रो मीन्स अदर्स, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर्स पे डिपेंड करते हैं, हम भी अदर्स पे डिपेंड करते हैं। बट हम अगर बात करें हम अपनी ह्यूमन बींग्स की, या हम बात करें डॉग्स की, या हम बात करें काओ की, मीन्स अदर एनिमल्स की बात करें, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट वे है अपने फूड को ऑब्टेन करने का। हम कुक करके खाते हैं, हमने खाना लिया, उसको हमने कुक किया, फिर हमने खा लिया। बट सभी तो ऐसे नहीं करते ना, डॉग्स ऐसे नहीं खाते, काउज ऐसे नहीं खाते, लॉयन ऐसे नहीं खाता, सबके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं खाने के। तो जो किसी और पे डिपेंड है खाने के, बट वो कितने टाइप की हैं जो किसी और पे डिपेंड है। थ्री टाइप्स मैंने आपको करवा दिया था कि सेप्रोट्रॉपिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं एंड होलोजोइक होते हैं। बट होता क्या है डीपली हम अभी करेंगे। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फर्स्ट हमारे पास है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड किसी अदर डेड मटेरियल से लेते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड से और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। कोई भी पुरानी चीज है, या जैसे हमने रोटी रख दी 2 या 3 दिन की पड़ी है, या टिफिन कई बार बंद रह जाते, तो आप उसके ऊपर देखो व्हाइट कलर की फंगस आ जाती है। तो वो उस टाइप का जो अब वो क्या कर रहे हैं, जो व्हाइट टाइप की फंगस है वो एक ऑर्गेनिजम्स है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। बट वो अपना फूड किससे ले रहे हैं? उस वाली चपाती से ले रहे हैं जो कि डेड हो चुकी है, जो कि यूजफुल नहीं है, यूजलेस है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें मैंने आपको देखो पिक्चर में ब्रेड का एग्जांपल लिया है, क्योंकि ब्रेड मोस्टली हम लोगों के घर पे ब्रेड रोटी, अगर हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं तो ब्रेड को आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो। मेरी एक वीडियो देखने के बाद आप क्या करना, ब्रेड लेना या एक रोटी ले लेना, उसको टिफिन में बंद करके रख देना, एक दिन बाद देखना, कल ही देख लेना सुबह, उसके ऊपर आपको व्हाइट 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 कलर की फंगस, जिसको हम उली भी बोलते हैं, फंगस दिखाई देगी। तो मींस फंगस जो है वो क्या हो गए, ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए, बट उन्होंने अपना फूड किससे लिया है? रोटी से लिया है या ब्रेड से लिया है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगस की बात करें, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट्स बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस चैप्टर को अगर आप करोगे ना अच्छे वे में, समझ के करोगे, तो मुश्किल कुछ नहीं है, नहीं तो इसमें चीजें बहुत सारी है याद करने वाली। तो फर्स्ट हमारा था सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक में अपना फूड डेड मटेरियल से लेते हैं। जो ऑर्गेनिज्म डेड मटेरियल से लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। क्लियर है? चलो हम नेक्स्ट करते हैं। अभी पैरासिटिक न्यूट्रिशन सेकंड हमारे पास है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन याद करना हमें बहुत इजी है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में याद रखो कि मच्छर खा रहा है, मुझे मच्छर ने काट लिया, ठीक है, मुझे मच्छर ने काटा, मच्छर मेरे हाथ पे आके बैठा, मेरी बॉडी से उसने क्या किया? ब्लड लिया, उसका तो खाना बन गया, बट मेरी बॉडी को क्या हुआ? हार्मफुल, मुझे ईचिंग होने लगी, मुझे नुकसान हुआ। तो क्या करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन में? ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर रहकर या बॉडी के अंदर, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। लाइक मॉस्किटो आया मेरे हैंड में बैठा, उसने डंक किया, मेरा ब्लड ले लिया, उसका तो खाना बन गया, उसकी तो उसका तो पेट फुल हो गया, बट मुझे तो उस चीज ने नुकसान पहुंचाया ना। तो उस इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देम। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड पैरासाइट। मींस हम मॉस्किटो को क्या बोलेंगे? पैरासाइट बोलेंगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पैरासाइट? जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड ले रहा है होस्ट की बॉडी से, लाइक मच्छर ने मुझे काटा, तो मच्छर क्या होगा? पैरासाइट होगा। तो पैरासाइट एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हूज बॉडी फूड इज ऑब्टेन इज कॉल्ड होस्ट। आई एम होस्ट और मॉस्किटो इज पैरासाइट, ठीक है। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं।
देखो इसके एग्जांपल्स है लीचीज, एग्जांपल जो है लीज जू, जो कि आजकल तो नहीं है, पहले होती थी जुए सिर में, मेडिकल करके ऐसा कुछ ऑयल भी आता था जिससे कि जू को मार जाते थे, वो क्या करते थे हमारे सिर पे होती थी, बालों में होती थी, जो कि हमारा खून पीती थी, क्या वो अपना फूड तो बना लेती थी हमारा खून पी के, बट हमारे बॉडी को क्या होता था, नुकसान होता था। टिक्स एंड हमारे पास एक कॉस्कोटा अमर बेल जिसको बोलते हैं, ये फोर एग्जांपल्स हैं जो कि आपको लर्न करने हैं, एंड दीज फोर एग्जांपल्स आर पैरासाइट, ये भी पैरासाइट है, ये भी पैरासाइट है, ये भी पैरासाइट है, ये भी पैरासाइट है, ठीक है, मॉस्क्यूटो भी लिख सकते हो आप। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन दैट टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक सॉलिड और लिक्विड फूड इनसाइड देयर बॉडी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, लाइक हमने एप्पल ले लिया या फिर इन्होंने ग्रास खा लिया, इसमें क्या रहता है होलोजोइक में, प्लांट से एनिमल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लेने के बाद उनकी बॉडी खुद क्या करती है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कोई किसी को नुकसान नहीं होता, कोई डेड चीज नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, हम अपने नेचर से लेते हैं, तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, होलोजोइक बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारा टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन के लिए अदर्स पे डिपेंड है, तो किस किस पे डिपेंड है, एक तो डेड मटेरियल पे डिपेंड है, जो डेड मटेरियल पे डिपेंड है वो सेप्रोट्रॉपिक है, जो किसी और बॉडी पे डिपेंड है वो पैरासाइट्स हैं, हम लोग किसी पे डिपेंड्स नहीं है, हम होलोजोइक हैं, ठीक है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब होलोजोइक में आते हैं। नेक्स्ट हमने करना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हमने टोटल न्यूट्रिशन कर लिया कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, अब हमने सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ना है कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, वी ऑल्सो इंक्लूड इन एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो ए बिग एनिमल, ठीक है, हम एनिमल्स में आते हैं, बट ये कि हम अच्छे वाले एनिमल्स के थ्री टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है एंड ओमनीवोरस है, थ्री है। हर्बीवोरस क्या करती हैं, ओनली प्लांट्स ईट करते हैं, ओनली प्लांट्स ईट करते हैं, देखो मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है, ओनली हर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं फ्रूट्स हैं, ये सब ईट करते हैं। और कार्निवोर्स क्या करते हैं, लाइक ये दोनों वेज नॉन वेज, जो क्या करते हैं, अदर एनिमल्स को ईट करते हैं, क्या करते हैं, अदर एनिमल्स ईट करते हैं, वो क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। ओमनीवोरस क्या होते हैं, आपको पिक्चर में शो हो रहा है, ये हमारे पास प्लांट्स हैं, ये हमारे पास एनिमल्स हैं, तो जो क्या करते हैं, प्लांट्स भी ईट करते हैं, प्लस में क्या करते हैं, एनिमल्स भी ईट करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स ईट करते हैं। तो आप अपने आप को देख के याद कर सकते हो कि आप क्या हो, लाइक मैं तो हर्बीवोरस हूं, मैं वेजिटेरियन हूं, नॉन वेज नहीं खाती हूं, ये सामने वाला कोई भी है वो प्लांट्स भी ईट करता है, एनिमल्स भी ईट करता है, तो ओमनीवोरस है। वैसे ह्यूमन बींग्स को ओमनीवोरस में ही इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अपने पे ले लूं या आप अपने आप पे ले लो, नहीं, हम ऑलमोस्ट की बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स क्या है, प्लांट्स भी ईट करते हैं, एनिमल्स भी ईट करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स को ओमनीवोरस में इंक्लूड किया जाता है। बट कार्निवोरस जो है वो अदर एनिमल्स लाइक लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सिर्फ अदर एनिमल्स को ही ईट करते हैं, तो ये क्या होंगे, कार्निवोरस होंगे। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है कि एनिमल्स में थ्री टाइप के डिफरेंट कौन कौन से हैं, जो प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोरस हैं, जो अदर एनिमल्स ईट करते हैं वो कार्निवोरस हैं, जो दोनों ही ईट करते हैं वो ओमनीवोरस हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। आप देखो जो आपका आने वाला है पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी बहुत है, इंपॉर्टेंट प्लस में इंटरेस्टिंग दोनों चीजें ही है, बट आपको एक शर्त है कि आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है कि जो हमने एनिमल्स का बोल दिया कि कार्निवोरस हैं या ओमनीवोरस हैं या हर्बीवोरस हैं, उसको न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या है एनिमल्स के अंदर, न्यूट्रिशन वर्ड हम बार बार बोल रहे हैं, बट व्हाट इज न्यूट्रिशन आपको पता है ना, हमने स्टार्टिंग में ही किया था
कि टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज देम इज नोन एज न्यूट्रिशन। कि कोई भी हमने न्यूट्रिशन बोला, हमने क्या किया है, न्यूट्रिएंट्स को लिया है, यूटिलाइज किया, ठीक है। तो न्यूट्रिशन अगर ले रहे हैं उसको कैसे लेते हैं, फिर कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, मेन उसके अंदर कितने स्टेजेस आते हैं, फाइव स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन है, फाइव स्टेप्स जो होते हैं बॉडी के अंदर होते हैं। फर्स्ट होता है इंजेक्शन। सबसे पहले देखो नेम लर्न करो, फर्स्ट वन इज इंजेक्शन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज असेमिलेशन एंड लास्ट वन इज इंजेक्शन। अब इसको छोड़ दो, अब अपने आप पे लो, है ना। हमने वैसे अब सब एनिमल्स का कर रहे हैं तो हमारे में भी सेम यही स्टेप्स ही होंगे। आपने क्या किया, कोई चीज ले ली, खाना लिया आपने, रोटी ले ली या कोई भी फ्रूट लिया, सपोज मैंने एप्पल का पीस ले लिया, मैंने एप्पल का पीस लिया खा लिया, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने माउथ में डाला, किसके मुंह में पानी आ रहा है। वैसे आजकल फ्रूट के नाम से आता नहीं है, बच्चे बहुत कम खाते हैं फ्रूट। अगर यही मैं बोलती ना कि मैंने चॉकलेट लिया है वो, या गोलगप्पे आइसक्रीम, उस पे नाम आता है मैगी, ये सब ले लो तो मोमोज, है ना। तो कुछ भी ले रहे हैं बट दिस इज नॉट हेल्दी फूड, ये हेल्दी फूड नहीं है। मैंने क्या किया, कोई भी एक पीस ले लिया, उसको मैंने अपने मुंह में डाला। सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, टेकिंग इन माउथ, मैंने अपने मुंह में लिया, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन, ओके। सेकेंड स्टेप क्या है, हमें पता है हम खाते हैं तो हमारा खाना पेट में ही जाता है, ठीक है। सेकेंड जो हमने खाया वो हमारे पेट में चला गया, स्टमक में गया, वो क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ। मतलब एप्पल का पूरा पीस तो हमारे मुंह के अंदर, हमारे पेट में नहीं जाएगा, हम पहले उसको माउथ से क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, फिर वो हमारे स्टमक में जाके और भी ज्यादा ब्रीक होता है, लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो हमारे स्टमक में वो क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद देखो सेकेंड स्टेप है डाइजेशन, उसके बाद क्या हुआ, डाइजेशन के बाद हुआ एब्जॉर्प्शन। मींस हमारे स्टमक के अंदर या जब भी डाइजेशन होता है तो मान के चलो जो भी सॉलिड चीज खाते हैं ना वो लिक्विड बन जाती है, वो लिक्विड फिर किस में जाता है, ब्लड में जाता है। ब्लड में गया तो थर्ड स्टेप कौन सा हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर अब ब्लड में गया तो ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर रोटेट करेगा ना, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा जितनी भी हमने एनर्जी ली है, तो वो क्या करेगा, ब्लड ने पूरे के पूरे हमारे बॉडी के अंदर वो उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, असेमिलेशन बोलेंगे, कि पूरी बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट हो चुका है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी हमने खा लिया, जब कुछ डाइजेस्ट हो गया, सब काम हो गया हमारी बॉडी का, कुछ ऐसा पार्ट भी बचा जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। कभी सुना होगा हम बोलते हैं कि हमें खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पानी पीते हैं तो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता, या खाना खाने के बाद जस्ट फ्रेश होने नहीं जाना चाहिए, यूरिन के लिए जाना चाहिए बट फ्रेश होने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को डाइजेशन में 4 से 5 घंटे लगते हैं, 4 से 5 घंटे के बाद हमें जाना चाहिए फ्रेश होने, क्योंकि हमारी बॉडी को इट टेक्स टाइम, अगर डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 स्टेजेस की है न्यूट्रिशन की, जो कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको कोई बुक में से रट्टा नहीं मारना है, आपको कोई यहाँ पे स्क्रीन से नहीं देखना, आप बस अपने आप को देखो कि हमने खाना खाया है, फर्स्ट स्टेप हो गया इंजेक्शन, हमारे पेट में गया, कॉम्प्लेक्स सिंपलर बना, हो गया एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, सॉरी इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर वो कहाँ पे चला गया, ब्लड में गया, अब्सॉर्ब कर रहा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, आप एक कोई भी सूखा कपड़ा ले लो, कोई भी पेपर लो, उसको आप पानी के ऊपर रखोगे तो वाटर क्या करेगा, पेपर क्या करेगा, वाटर को अब्सॉर्ब कर लेगा। लाइक दिस ब्लड कैपिलरीज भी क्या कर रही है, उसको जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो अपने अंदर ले रही है, ब्लड जो है वो अपने अंदर ले रहा है, वो सारा ब्लड में चला गया। फिर उसके बाद ब्लड का काम क्या है, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, उसने क्या किया, असिमिलेशन कर दिया, ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोसेस को हमने असिमिलेशन बोल दिया, फिर जो बॉडी से रिमूव आउट हुआ उसको हमने क्या बोल दिया, इंजेक्शन बोल दिया। तो ये 5 स्टेप अगर आपको अच्छे से हो गए हैं तो मींस आपका न्यूट्रिशन डन है, आपको आ गया न्यूट्रिशन, बहुत इजी है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन के 5 स्टेप थे। अब हमने जो करना है, फर्स्ट मैंने आपको 3 बताया है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा करेंगे, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम करेंगे एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स करेंगे।
सबसे पहले हम करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा आप सिक्स क्लास से देखते आ रहे हो, अमीबा क्या होता है। अमीबा को हम ऐसा कहते हैं कि अमीबा को बनाना मुश्किल नहीं है, ऐसे ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अमीबा की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अमीबा की स्ट्रक्चर ये होती है, अमीबा एक सेल है, एक सेल से ही उसकी स्ट्रक्चर बनी होती है, इसलिए अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है? अमीबा एक यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से मिलकर बना होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन इन अमीबा इज नोन एज फैगोसायटोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैगोसायटोसिस? मींस सेल से ही अपना फूड लेना, ठीक है। जैसे हम तो अपना फूड किससे ले रहे हैं, माउथ से ले रहे हैं, बट ये एक ही सेल से मिलके बना है। तो फैगोसायटोसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर ही फूड जाना, डायरेक्टली सेल अपनी बॉडी के अंदर फूड ले रहा है। हम अपनी बॉडी को, ये नहीं है हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी, ऐसे नहीं है आप अपनी बाजू को खाना खिला दो, नहीं खा सकते हम। हमारा एक प्रॉपर ऑर्गन है, हम माउथ से ही ईट कर सकते हैं। बट अमीबा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। अमीबा में क्या रहता है ये आपको पता है, कोई भी सेल है तो उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, लिक्विड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा ही होगा। बट अमीबा के केस में अब हमने फाइव स्टेप्स को फॉलो करना है, इंसर्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इंसर्शन। बट अमीबा अपने आप को न्यूट्रिशन कैसे दे रहा है, कैसे उसको यूटिलाइज कर रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आप इसको एक बार कर लोगे तो। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इंसर्शन। इंसर्शन मींस क्या करना, फूड को माउथ में लेना। अब क्या किया, न्यूक्लियस है ये हमारे पास, अमीबा की स्ट्रक्चर है ये, इसका फूड वेब, फूड पार्टिकल है। और अमीबा का कोई भी माउथ नहीं है, बट जहां उसको फूड का पार्टिकल दिखेगा वहां उसके इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। इसको पसूडो नहीं बोलना है, पसूडो नहीं होगा, पी इज साइलेंस। तो सूडोपोडिया क्या होता है, सूडोपोडिया इज द माउथ ऑफ, टेम्परेरी माउथ ऑफ अमीबा, टेम्परेरी माउथ है। बट इसमें जब भी फूड वैक्यूल जो है, फूड पार्टिकल जो है वो अमीबा के पास आ जाता है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है सूडोपोडिया, जिससे कि फूड पार्टिकल कहां जा सकता है, एंटर कर सकता है सेल के अंदर। तो ये जो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, वो क्या होगा, इंजेशन हो गया। इसने क्या कर लिया, अपने माउथ के अंदर फूड ले लिया। सेकेंड पार्टिकल, सेकेंड हमारे पास क्या है, डाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? डाइजेशन में हमने ये बोला कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर में कन्वर्ट होगा, है ना, लिक्विड फॉर्म में, या फिर एप्पल का पीस मैंने एग्जांपल लिया तो वो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। मींस कॉम्प्लेक्स जो है वो सिंपलर में कन्वर्ट हो रहा है। लाइक दिस, अब देखो ये जो है ना, इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड वैक्यूल? आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे कि हमारा स्टमक है, वैसे ही अमीबा का स्टमक जो है उसे हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। जो उसका फूड पार्टिकल है वो सेल में कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है सेल में कहीं पे भी जाके वो रख देंगे उसको, नहीं, वो कहाँ पे जाएगा, फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा। हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है, अमीबा के पास अगर फूड पार्टिकल आता है तो वो फूड वैक्यूल में जाएगा। फूड वैक्यूल में फूड गया, अभी क्या करेगा, सेकेंड स्टेप डाइजेशन के अंदर ये वाला जो फूड पार्टिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था ये क्या हो जाएगा, जैसे लाइक दिस, ये फूड पार्टिकल है ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक डाउन हो गया, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कि डाइजेशन हो गया। थर्ड प्रोसेस क्या है, थर्ड प्रोसेस में हमारा क्या था, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या है, एब्जॉर्प्शन में बॉडी का ब्लड के अंदर जा रहा है, लाइक दिस, अभी क्या हो गया, पाउडर फॉर्म। हम अब इसको ऐसे शो कर सकते हैं इसके अंदर में आपको यहाँ, कि ये फूड वैक्यूल जो है वो पाउडर फॉर्म में बन गया है एब्जॉर्प्शन में, और ये पाउडर कहाँ जा रहा है, हमारी पूरी अमीबा की पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है। आप इसको इस फॉर्म में शो कर सकते हो, इसमें इस फॉर्म में शो किया हुआ है, रेड जो लाइन है, रेड लाइन ये शो कर रही है कि फूड जो है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब बाहर जा रहा है, बॉडी अमीबा की बॉडी क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। लाइक अब असिमिलेशन, असिमिलेशन में क्या होगा, असिमिलेशन मींस बॉडी ने यूज कर लिया, लाइक ब्लड ने पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया, एनर्जी मिल गई। आप इस फोर्थ स्टेप में ये भी कर सकते हो कि अमीबा के साइज को इंक्रीज कर दो, कि अमीबा ने क्या कर दिया, ग्रो कर लिया। जैसे ही फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब हुआ, असिमिलेशन हो गया, मींस अमीबा ने उस फूड को यूज कर लिया,
यूज करने के बाद और जो फिफ्थ स्टेप होगा वो क्या होगा, इजेशन। इसका कोई भी पर्टिकुलर ऐसा ऑर्गन नहीं होता है, एनस नहीं होता है, माउथ नहीं होता, एनस नहीं होता। इसने क्या किया, जब भी इसकी जो बॉडी ने यूज कर लिया फूड पार्टिकल्स जितना भी था, अनडाइजेस्टेड पार्ट था वो बॉडी से इस टाइप से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो आपके पास अमीबा का अगर आ भी जाता है तो आप थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं लिखे, जस्ट आप ये डायग्राम बना दें और आपको ये स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप नीचे भी लिख सकते हैं ये इंजेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, असिमिलेशन में लिख देना नीचे कि अमीबा ग्रोथ कर रहा है एंड इंजेशन क्या हुआ है, बॉडी से रिमूव आउट हो रहा है। बहुत सिंपल है ना, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप लोगों ने 5 स्टेप्स अच्छे से कर लिए ना इंजेशन डाइजेशन, तो ये बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। मैंने अभी तक जितने स्टूडेंट्स को कराए हैं, 7+7 इयर्स का एक्सपीरियंस रह चुका है मेरा, अभी तक कोई भी ऐसे बैच का स्टूडेंट नहीं है जिसना मेरे कराने के बाद जिसने ये बोला हो कि मैम अमीबा में न्यूट्रिशन बहुत मुश्किल है। एक ना चेहरे पे स्माइल आ जाती है, अच्छा मैम इतना इजी था ये, हम तो ऐसे देख के डर रहे थे। तो ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी। मुझे तो सच में पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है, अमीबा हो या एक लाइफ प्रोसेस चैप्टर हो। तो बहुत ज्यादा इजी है, काम ही करना है कि आपको लिख के देखना है, अमीबा की स्ट्रक्चर्स बना के देखनी है, और समझ आ जाता है तो कमेंट सेशन में बताना है कि मैम मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। इसमें हम 5 स्टेप्स नहीं करेंगे, सेम टू सेम जो स्टेप्स होंगे वो आपके अमीबा वाले ही होंगे, बट इसमें वन स्ट्रक्चर शो की हुई है आपकी बुक में भी, यहाँ मैंने भी आपको वन स्ट्रक्चर शो की है। किस लिए, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड पैरामीशियम इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट इसमें क्या डिफरेंस है, इसका एक तो माउथ है, उसमें माउथ नहीं था, इसमें क्या है, एनस है इसका, और इसकी जो मेन स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट है, ये देखो आपके पास इस टाइप के आप देख रहे हो कि पैरामीशियम के आउटसाइड पे क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। ये जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन बताओ। बाकी सब सेम है, फूड वैक्यूल है, यूनिसेलुलर है, हमारे पास न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, बाकी सब कुछ सेम है, बट आपके पास क्या डिफरेंस है कि इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। और सिलिया जो है ये हेल्प क्या करते हैं, ये वाटर में रहता है, वाटर में रहता है तो ये सिलिया जो है इसकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, लाइक इसका फूड पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स फूड को यहाँ पे इसके माउथ तक लाने में हेल्प करते हैं, स्वीप अप कर देते हैं। बस यही डिफरेंस है पैरामीशियम का। और आपको पैरामीशियम के इंजेशन डाइजेशन प्रोसेसेस नहीं करनी है, आपको इसमें सिर्फ यही बात ही याद रखनी है कि इसका प्रॉपर माउथ होता है और इसके अंदर क्या रहता है, सिलिया होती है। सिलिया इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द आउटर ऑफ द पैरामीशियम बॉडी दैट हेल्प्स टू द स्वाइप ऑफ द फूड टू द फूड वैक्यूल्स और माउथ ऑफ द पैरामीशियम, या तो वो पैरामीशियम के माउथ तक लाने में हेल्प करता है, या मतलब ये डाउन हो सकता है, अप हो सकता है, लाइक हम बात करते हैं कि स्विमिंग कर सकता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है। तो ये हमारे को पैरामीशियम में सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल हो गया। अब हमारा जो है ना, कितना मान के चलो 80% न्यूट्रिशन जो है वो डन है, 80% न्यूट्रिशन हो चुका। बाकी जो 20% रह गया जो मैं आपको अभी करवाने वाली हूँ, पानी वानी पीना है तो पी लो आप आराम से, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। ये 20% इज इक्वल टू 80% हार्ट है, पहले ही बता देती हूँ। हार्ट है बट ओनली वन टाइम के लिए हार्ट है, एक बार कर लिया ना फिर नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेस्टिव सिस्टम या आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हम ये मान के चलो कि हम अपना कर रहे हैं। वैसे ये जो होलोजोइक जो हमने अभी अमीबा में किया ना, ये मोस्टली हम ये बोलते हैं कि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ठीक है। बट फ्रॉग की बात करें या ह्यूमन बींग्स की बात करें, ये सब हम जो करेंगे उनके क्या रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है।
हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, हमें पता है कि हमारा माउथ है, ऑस्टियोफेगस है, ऑस्टियोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, ठीक है, ये स्टमक है, दिस वन इज लीवर, ये जो लीवर है ये हमारे को ये बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है, ये जो बीच में इस टाइप की ऐसे है ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो ये आउटर में है वो क्या है लार्ज इंटेस्टाइन है, दिस वन इज रेक्टम, दिस वन इज एनस। अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका नाम स्मॉल है बट ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा लार्ज है, 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है ये, आइडिया लगाओ 6.5 अगर इसको खोलोगे तो कितनी बड़ी हो जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्ज है, सबसे बड़ी है, बट इसको स्मॉल किस लिए बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल नैरो है, बिल्कुल नैरो है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो नाम से लार्ज है, मीन्स ये क्या है इस टाइप से होल जो है ना इसका वो बिग है, ठीक है। तो ये पार्ट्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, इस पार्ट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, हमारी पूरी बॉडी को सामने लो, माउथ है, फूड पाइप है जहां से खाना जाता है, खाना हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर हम बॉडी से इग्जर्शन करते हैं, एनस है, बस और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हम कर रहे हैं ये टू पार्ट से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ग्लैंड्स है हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो कि हॉर्मोन्स भी रिलीज करती हैं, अपने हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हॉर्मोन्स कैसे रिलीज करती हैं, कुछ एक तो हमारे ब्लड में हॉर्मोन रिलीज करते हैं, कुछ एक हमारी बॉडी में करते हैं, जो ये हम करने वाले हैं ये हमारी बॉडी में करते हैं, हमारे ब्लड में डायरेक्टली नहीं करते हैं। तो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, इट कंप्राइजेस ऑफ माउथ, ऑसियोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, मींस हम यहां से लेके यहां से हमारी एक स्टार्ट हो रही है कैनाल, यहां से लेके ये सारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये सब कवर करके यहां तक है, तो इस पूरे के पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल ये है, एसोसिएटिव ग्लैंड्स कौन सी हैं, सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पैनक्रियास है, लीवर है, ये सब चीजें अभी आपको याद नहीं करनी है, प्रेशर मत लो, कुछ भी याद नहीं करना अभी, अभी मैं जब याद करना होगा तब आपको बताऊंगी। अब जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन होता कैसे है ये आपका जो है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझते हैं हम, एक आप लॉन्ग ब्रीथ लो फिर ध्यान से समझो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है, आप सपोज करो हमने चपाती ली, हम खाना खा रहे हैं, हमने एक बाइट ली, हमने अपने माउथ में ली, ठीक है, हमने अपने मुंह में ली, तो हम पहले क्या करेंगे, हम उसको चबाते हैं, चीविंग करते हैं, चीव करने का क्या फायदा है, सेकंड हमारे माउथ के अंदर है क्या क्या, टीथ है जो कि कट कर रही है, टंग है जो कि स्पून का काम कर रही है, स्पून जैसे क्या करते हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं वो राउंड नहीं होती, जैसे हमने मुंह में डाली ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोल 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 टाइप की बन जाती है। थर्ड अगर मैं आप देखो कुछ भी खाने की बात करती हूँ, ये हमारा नेचुरल है कि हम कोई भी खाने की बात करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, मैंने गोलगप्पे की बात की तो गोलगप्पे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया, या आपकी कोई भी फेवरेट डिश है, मोमोज है, कुछ भी है, जैसे ही हम खाने की बात करते हैं हमारे मुंह में पानी आ जाता है, किस लिए आ जाता है, नेचुरल है ये, ऐसा नहीं कि हम भूखे हैं हमें भूख लगी है तो पानी आ रहा है, नो, हमारी जो माउथ है माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, लाइक पाइप होती है ना, जैसे पानी टैप होता है जिसमें से पानी निकलता है, वैसे ही हमारे माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि क्या क्रिएट करती हैं, सिक्रेट करती हैं स्लाइवा, जिसे हम थूक बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा माउथ वेट रहता है, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो स्लाइवा करती हैं सिक्रेट, स्लाइवा की वजह से ही हमारा मुंह वेट रहता है, और हम अगर कुछ खाने की चीज या बात करते हैं गोलगप्पे की बात की तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है,
तो स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, व्हाट इज एंजाइम, मैं आपको ये करवाते से पहले आपको एंजाइम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूं, जो कि हम यहां पे एंजाइम्स की बात करने वाले हैं। हमने करना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। What is the meaning of nutrition? Nutrition meaning taking of nutrients and utilize them and then grows, repairing और mechanism ये जो हमारा body का होता है सब ये सब। अब देखो nutrition में मैंने आपको बोला था कि हम कौन कौन सी nutrients लेते हैं हमारी body के अंदर। हमने बोला था कि हम कौन कौन सा use करते हैं, carbohydrates लेते हैं, protein लेते हैं, fats also nutrient, विटामिन्स, ये सब सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, न्यूट्रिशन मींस हमने ये पूरा का पूरा हम सारा दिन खा रहे हैं, हम कभी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कभी हम प्रोटीन्स ले रहे हैं, कभी हम फैट्स ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, पूरा दिन हमारा काम तो खाने का ही होता है, बाकी तो हमारी बॉडी करती है, हम तो खा ही रहे हैं सिर्फ। तो ये जो हम चीजें ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिन्स, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। हम इन सबको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारी बॉडी इन सब न्यूट्रिएंट्स को, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है और हमारी बॉडी उसको क्या करती है, फिर यूज करती है। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम बार बार बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सिंपलर में कन्वर्ट हो रहा है। कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपलर, मींस आपने कोई भी, आप ईंट का एग्जांपल ले लो, आपके पास एक बड़ी बिग ईंट है, ब्रिक है, वो जो पूरी की पूरी ईंट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। आप उसको हैमर से क्या करोगे, उसको ऐसे से हैमर से कर रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, बिल्कुल पाउडर बन जाएगा, टूट जाएगी। तो हमने उसको क्या किया, बीट किया हैमर से, तो वो ईंट से क्या बन गया, पाउडर बन गया। तो हमने उसमें कुछ ना कुछ तो किया ना, जो कॉम्प्लेक्स से क्या बन रहा है वो सिंपलर बन रहा है। लाइक दिस, जो कॉम्प्लेक्स फूड है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट विटामिन्स, उसको हमने सिंपलर में कन्वर्ट करना है। लाइक कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर से मिलके बना है, फैट जो है वो फैटी एसिड से मिलके बना है, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बना है। तो अमाइनो एसिड इनको सबको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट को हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, प्रोटीन को हमने अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना है, फैट्स को हमने फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने का काम, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट करने का काम करता कौन है, एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम्स का काम है, एंजाइम्स करते हैं कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट। बट उसको करने के लिए भी प्रोसेस चाहिए, ऐसे नहीं हमने खा लिया हमारे पेट में चला गया अपने आप ही वो डाइजेस्ट हो रहा है। उसका कोई ना कोई प्रोसेस है, वो एंजाइम्स हैं, कौन से एंजाइम्स हैं, कहाँ प्रेजेंट हैं, कैसे उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये सारा हमने अब इसके अंदर पढ़ना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, देखो माउथ, इसमें माउथ हमने, आप एक एक चीज याद करो, मैं नहीं कहती कि आपको 7-5 जो भी स्टेप्स हैं आप उसको एक साथ कर लो, नहीं, एक एक करके करो। अभी माउथ कर लो, थोड़ी देर बाद आप कुछ और कर लेना। फर्स्ट हमारा है माउथ, माउथ आप अपना लो मुंह, माउथ के अंदर टीथ हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं और हमारी स्लाइवा हमारी टंग है। टीथ का काम क्या है, उसको चीप करना, चबाना खाने को। स्लाइवा का काम लाइक ए स्पून, उसको मिक्सिंग करना। स्लाइवरी ग्लैंड का काम जो है वो क्या है, स्लाइवा प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से फूड क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। फिर स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है, द एंजाइम इज नोन एज स्लाइवरी अमाइलेज। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं उसके नेम के पीछे एज लगा होता है, ASE, याद करने का तरीका बता रही हूं कि कई बार आपको पता हो ASE लगा है मींस एंजाइम है। तो क्या प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर, स्लाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या होता है, स्लाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन है ना वो हमारी बॉडी में माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कुछ एक माउथ में होता है, कुछ एक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होगा, कुछ एक हमारा बाइल जूस करता है, मींस पूरा का पूरा डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। पर होता कैसे है वो देखते हैं। देखो क्या है स्लाइवरी अमाइलेज का काम क्या है, जब भी कभी अमाइलेज आपके पास एंजाइम आ जाए तो अमाइलेज ऑलवेज किसको ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट को। और एक चीज और बता दूं आपको,
जो एंजाइम जिसको ब्रेक डाउन करता है वो उसी को ही ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटीन को अगर प्रोटीएज कर रहा है तो प्रोटीएज ही करेगा, अगर कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज कर रहा है तो अमाइलेज ही करेगा। मींस प्रॉपर एक मतलब न्यूट्रिएंट के लिए एक कंफर्म यही एंजाइम है और कोई एंजाइम नहीं होगा। लाइक अगर मैं 10th क्लास की साइंस पढ़ा रही हूँ तो मैं साइंस ही पढ़ाऊंगी, मैं एसएसटी नहीं पढ़ा सकती, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती। लाइक दिस कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज ही डाइजेस्ट करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि फूड क्या किया हमने, माउथ में लिया, माउथ में लेने के बाद वो ब्रेक डाउन हुआ, मिक्सिंग हुई, कार्बोहाइड्रेट पूरा का पूरा ब्रेक डाउन नहीं होता, सिर्फ अमाइलेज इसको क्या करता है 10% ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को पार्शियली ब्रेक डाउन होता है। हमने क्या करना है, कंप्लीट ब्रेक डाउन करना है। न्यूट्रिशन में हमने यही पढ़ना है, डाइजेशन में हमने यही पढ़ना है कि हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करना है। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, 10% किया इसने। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा है ऑस्टियोफेगस। अब दिस स्टेप इज नोन एज इंजर्शन, ये इंजर्शन का है और ये क्या है, डाइजेशन के स्टेप्स हैं ये सारे, अभी हम डाइजेशन कर रहे हैं। सेकेंड है ऑस्टियोफेगस। ऑस्टियोफेगस इज फूड पाइप, क्या है, फूड पाइप है। खाना हमने मुंह में लिया, फिर तभी कहते हैं ना खाना चबा चबा के खाना चाहिए, जितना चबा के खाते हैं खाना उतना ही हमारी बॉडी में अच्छा डाइजेशन होता है। ऐसे नहीं कि इतनी बड़ी बाइट ले ली फिर खाई अंदर ले गए, नहीं, उसको डाइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या किया, उसके बाद वो खाना गया फूड पाइप में, ये यहाँ हमारी अंदर जो फूड पाइप है, फूड पाइप से खाना कहाँ चला गया, ये देखो यहाँ हमने खाना खाया, यहाँ से खाना कहाँ चला गया, ये रहा स्टमक, स्टमक में पहुंच गया। बट यहां से जो खाना जा रहा है तो कैसे जाता है, ऑस्टियोफेगस इज अ फूड पाइप एंड फूड पाइप के अंदर एक हमेशा मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टेटिकल मूवमेंट। व्हाट इज पेरिस्टेटिकल मूवमेंट, कि क्या होता है, बंद हो रही है खुल रही है, पाइप बंद हो रही है खुल रही है। जैसे ही क्या हुआ, ओपन हुआ, हमारे मुंह से जो भी फूड बना, जो भी थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ वो स्टमक में चला गया, फिर बंद हो गई, फिर ऊपर से फूड आया। तो टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू ऑस्टियोफेगस बाय पेरिस्टेटिकल मूवमेंट्स। पेरिस्टेटिकल मूवमेंट के थ्रू हम अपने फूड को कहां पे पहुंचाते हैं, हमारे स्टमक में पहुंचाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड एक्सपेंशन हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल का, बंद हो रही है खुल रही है, बंद हो रही है खुल रही है, बंद हो रही है खुल रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, पेरिस्टेटिकल मूवमेंट हो रही है, ये हो गया हमारा फूड पाइप का काम। अब खाना कहाँ चला गया, हमारे स्टमक के अंदर चला गया, ऑलमोस्ट काम स्टमक में होगा। अब देखो स्टमक के अंदर स्टार्टिंग हो गई डाइजेशन की। स्टमक की जो वॉल्स है ना, स्टमक की वॉल, स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होती है स्टमक की हमारी बॉडी के अंदर। स्टमक की वॉल एक जूस सीक्रेट करती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। जैसे हमने बोला कि स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस कर रही है, लाइक दिस स्टमक की वॉल्स क्या कर रही हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि ऑरेंज जूस की, ऑरेंज जूस में क्या होगा, ऑरेंज होगा। लेमन में क्या होगा, मैं बोलूँगी मैंने नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी में कुछ भी डाल सकती हूँ, पानी डाला, नींबू डाला, काली मिर्च भी डाल दी, काला नमक भी डाल दिया मैंने, हो सकता है थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया हो। तो उस टाइप से जो गैस्ट्रिक जूस है वो किससे मिलके बना है, वो थ्री कंपोनेंट से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज पेप्सिन, सेकंड वन इज HCl एंड थर्ड वन इज म्यूकस, ठीक है। याद करना है आपको, स्टमक की वॉल अपना फेवरेट जूस बना लो गैस्ट्रिक जूस, कि मेरे को गैस्ट्रिक जूस मेरा फेवरेट है। गैस्ट्रिक जूस किस किस से मिलके बना है, पेप्सिन से मिलके बना है, HCl से मिलके बना है, म्यूकस से मिलके बना है। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है जो कि जूस के अंदर प्रेजेंट है, जो क्या करता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। HCl इज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करेगा, फूड को एसिडिक बना देगा, मींस उसके पीएच को कम कर देगा। और म्यूकस का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, मींस ये क्या करता है, HCl की अमाउंट को कंट्रोल करता है। कभी हम बोलते हैं कि हमारे को एसिडिटी हो रही है ना, एसिडिटी तो आजकल कॉमन ही हो गई है, इन और लो एसिडिटी को 6 सेकंड में दूर करो, है ना।
तो मुकस क्या करता है, HCL को, मींस कितना एसिड हमारे फूड के अंदर हमारे स्टमक में रिलीज होना चाहिए उसकी अमाउंट को कंट्रोल करता है। अगर ये अमाउंट को कंट्रोल नहीं कर सकता म्यूकस तो एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, HCL ज्यादा हो जाती है, जिससे कि हमें एसिडिटी हो जाती है। तो ये थ्री क्या है, जूस के पार्ट्स हैं, कौन कौन सी है, पेप्सिन है, HCL है, म्यूकस है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, HCL ने फूड को एसिडिक बना दिया, और म्यूकस का काम क्या है, कितनी अमाउंट में सिक्रेशन होनी चाहिए वो करता है कंट्रोल। अभी स्टमक में ही है फूड, अभी स्टमक में ही है, देन कहां गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्टमक से एसिडिक होके स्टमक में अब क्या क्या हुआ, स्टमक में ये हुई कि प्रोटीन क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। सेकंड फूड क्या बन गया, एसिडिक बन गया। ये दो काम हो गए स्टमक के अंदर। अब वही फूड कहां पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखो ये हमारा क्या है, ये स्टमक है, साथ में क्या है, लीवर है, और लीवर के पैरेलल में ही पैनक्रियाज होती है, दो ग्लैंड्स हैं ये एक टाइप की। तो लीवर और क्या है, पैनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम बाद में होगा, पहले लीवर और पैनक्रियाज अपने काम कर रहे हैं। अब पैनक्रियाज ने क्या किया, लीवर जो है वो बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है। लीवर क्या कर रहा है, बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है, जो कि कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। इसका काम क्या है, अब देखो फूड तो आ गया स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट वो फूड कैसा है, एसिडिक है। अब जो बाइल जूस है ना वो सिक्रेशन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट ये फूड को क्या बना देगा, एसिडिक को खत्म करके अल्केलाइन बना देगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्केलाइन, मींस बेसिक इन नेचर बना देगा। तो बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस का काम है कि जो फूड एसिडिक आ रहा है उसको एल्केलाइन बना रहा है, यही काम है बाइल जूस का बस। नेक्स्ट पेनक्रियाज, पेनक्रियाज कौन सा जूस सिक्रेट कर रही है, जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनका काम सबका सिक्रेशन करना ही है, कौन सा कर रही है वो आपको लर्न करना है। पेनक्रियाटिक जूस कर रही है। अब पेनक्रियाटिक जूस जो है वो किसका मिलके बना है, आपको जूसेस याद करने, फर्स्ट वन इज गैस्ट्रिक जूस, सेकंड आ गया पेनक्रियाटिक जूस जो कि पेनक्रियाज सिक्रेट कर रही है। पेनक्रियाटिक जूस क्या है, किससे मिलके बना है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट है और लाइपेज प्रेजेंट है। ट्रिप्सिन कभी भी आता है ना तो ट्रिप्सिन जो है वो ऑलवेज प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज नाम से याद कर सकते हो, लाइप LIP मींस लिपिड्स, लिपिड्स मींस होता है फैट्स, ठीक है। तो ये लाइपेज क्या कर रहा है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बना रहा है इमल्सिफाइज फैट को, या आपको इतना हार्ड नहीं करना तो आप सीधा कर सकते हो कि लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट कर रहा है या वो फैटी एसिड्स बना रहा है, और ट्रिप्सिन किसको कर रहा है, प्रोटीन को, मींस अब यहाँ पे प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गया और फैट भी डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये पेनक्रियाज ने अपना काम कर दिया, अब वो लीवर ने अपना काम कर दिया, अब फूड फाइनल किसके पास है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारा डाइजेशन होता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स है, फैट्स है, लिपिड्स है, कुछ भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो डाइजेस्ट होगा ही होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो क्या करती है, इंटेस्टिशियल एंजाइम, या स्मॉल इंटेस्टाइन खुद क्या करता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मींस जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा सिंपलर फॉर्म में हो गया है, ग्लूकोज बन गया, फैटी एसिड्स बन गए, अमाइनो एसिड्स बन गए। तो ये जो हमारा पूरा यहां तक का स्टेप है उसको हम क्या बोलेंगे कि क्या हो चुका है, डाइजेशन हो गया है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये बस आपको यही चीज ही थी याद करने की, कंप्लीट हो गया है हमारा। आपने याद क्या करना है, कुछ ही नहीं करना, बस ये याद करना है कि स्टमक की वॉल गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है, लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन इंटरस्टिशियल एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। पांच चीजें याद कर लो बस, न्यूट्रिशन कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में वैसे तो वेस्टेज हो रहा है,
एब्जॉर्ब हो रहा है एक्सेस वाटर। अब ये होता कैसे है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के ऊपर विली लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया होगा एक बार की जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे जैसे हमारी फिंगर्स है ना, ऐसी उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं विली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि क्या करती है विली लाइक स्ट्रक्चर जो भी बना ना फूड सिंपलर में वो कहां चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब हो गया, रेक्टम में टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्टेज हो गया, और जो वेस्टेज का कलेक्शन हुआ एनस के थ्रू वो क्या हो गया, इजेशन हो गया। तो ये हमारा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि बहुत 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 हार्ड है बट बहुत 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 इजी हो जाएगा अगर आप करोगे तो। ये मैंने आपको न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट करवा दिया है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैं आपको एक बार ही कल की वीडियो में फिर से रिवाइज करवा दूंगी, प्लस में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको ये और भी अच्छे से हो जाए। फिर भी आप इसको जब तक लिख के नहीं देखोगे आपको क्लियर नहीं होगा बच्चों, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा हार्ड है बट अगर आप इसको अच्छे से समझ के करोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है, टिप्स पे हो जाएगा ये आपके। होप आपको समझ आया होगा, अगर आया है तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और अपने और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करो। जितना भी हम अपने नॉलेज को बांटते हैं ना, स्प्रेड करते हैं, उतनी ज्यादा बढ़ती है। ये ऐसा नहीं कि नहीं मैं उसको नहीं भेजता, मुझे आगे टॉपिक और किसी को नहीं आना चाहिए, तो नहीं, अपनी नॉलेज को जितना शेयर करोगे उतनी ज्यादा बढ़ती है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, उससे मेरे को भी मोटिवेशनल मिलती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।